एरे और पॉइंटर को लेकर के एक बड़ा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। ये हेडर फाइल है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ इंट मेल लगाया। इंट मेल लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें जीरो रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोग्राम ठीक से चलेगा नहीं। अब ये इंट मेल रिटर्न करवा लिया, यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर टाइप का एक एक्स नाम का एरे बनाया हमने, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर चीजों को डिफाइन किया है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ा है, तो ऐसे में एरर नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आई नाम से एक वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पर ये पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया है इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लूप भी चलाया हमने, तो अभी हम इस प्रोग्राम को सेव कर चुके हैं, एक बार कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब यहाँ से रन कर देते हैं। तो रन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का ये प्रिंट होके आया है, लिखा हुआ है पहले लाइन में एलिमेंट ऑफ एरे इंट एक्स जीरो। तो इंट एक्स जीरो का जो एड्रेस है वो क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कह रहा है एलिमेंट ऑफ एक्स वन, यानी कि हम एक एक के एड्रेस को प्रिंट करवा रहे हैं। अब एड्रेस प्रिंट करवाने का काम किसका होता है, पॉइंटर का होता है, तो यहाँ पर पॉइंटर भी मैंने यूज किया और इसके साथ साथ एरे भी मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर इस तरह का एड्रेस प्रिंट हुआ, देखिए हर बार अलग अलग एड्रेस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स है, ठीक है, एक्स लिया है, और साइज क्या रखी है, थ्री रखी है इसकी, ठीक है। तो एक्स जीरो में जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिख रहा है 60FEE0, ये एक्स जीरो का एड्रेस है। एक्स वन का क्या एड्रेस है, 60FEE4, क्योंकि आप ये भी जानते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि एरे जो पॉइंटर होता है वो क्या काम करता है, वो एड्रेस बताता है वेरिएबल का, ना कि वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।